नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपने आकर पार्ट नंबर 20 मोर विषय चर्चा कर ली थी। हमें आपने पार्ट नंबर 1 स्वाध्याय विषय चर्चा करी छु। आकर प्रश्न नंबर 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। એટલે કે કૌંસમાંથી સાચો જવાબ શોધી અને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે। ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને એની બાજુમાં જે બોક્સ આપેલું છે એની અંદર જવાબો આપેલા છે। એ બંનેમાંથી જે પણ સાચો જવાબ હોય એ આપણે ખાલી જગ્યામાં મૂકવાનું છે। नंबर 1 से मोर भारत का खाली जंगल पक्षी है। मोर भारत का खाली जंगल पक्षी है। એમ ઓપ્શન આપેલા છે રાષ્ટ્રીય અને બીજું છે પ્રાદેશિક। તો એનો સાચો જવાબ આવશે મોર ભારત का રાષ્ટ્રીય પક્ષી है। સાચો જવાબ છે રાષ્ટ્રીય। तो खाली जगह पर रखो। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 2, मोर के सिर पर खाली जगह होती है। मोर के सिर पर खाली जगह होती है। इसमें भी दो ऑप्शन है, कलगी और दूसरा है बगली। तो सही आंसर होगा, उसका सही उत्तर है कलगी। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर जो पंखुड़ी होती है उसे कलगी कहा जाता है। तो मोर के सिर पर कलगी होती है। खाली जगह नंबर 3, मोर के पंख खाली जगह होते हैं। एमा बे ऑप्शन छे, काले रंग बिरंगे। तो એનો સાચો જવાબ છે રંગબિરંગી। મોર કે સિર પર સોરી મોર કે પંખ રંગબિરંગે હોતે હૈ।
मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। नंबर चार, मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है। मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है। तो मोर बादलों को देखकर खुश होता है। इतना बेहोशी चित्र पर तो बादल, तो मोर बादलों को देखकर खुश होता है। जब आकाश में घनघोर बादल छाते हैं और बारिश आने लगती है, बारिश आने की आशा होते हैं, तब जब मोर बादलों को देखता है तो वह खुश होता है और नाचने लगता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। हरि जी रिपीट करो तुम। नंबर वन, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर दो, मोर के सिर पर कलगी होती है। नंबर तीन, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। नंबर चार, मोर बादलों को देखकर खुश होता है। तो ये आपने खाली जगह पर रहे एना पसी छे। प्रश्न नंबर दो, सही विधान के सामने राय सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने रोक का चिन्ह, यानी गलत का चिन्ह करें, खराब वाक्य के सामने साचानी खराबी निशानी, मोटा वाक्य के सामने मोटा लिखवा चौकड़ी चिन्ह करवानो छे। पहला फूल वर्ग खाली तो
सॉरी प्रश्न नंबर दो में चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक मोर सबसे सुंदर पक्षी है, तो ये साचो जवाब से आप कहेंगे ना खरा नहीं निशान है जो मोर बजाते सुंदर पक्षी छे। नंबर बी मोर काम काम करता है, मोर काम काम करता है, तो मोर काम काम करता है ये विधान पूर्ण छे, काम काम पूर्ण करे काम काम ये कार्यों करे मोर नहीं, तो आप कहेंगे ना मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, मोर बजा लोगों ने प्रिय है तो मजा बुला दी सकता, ये विधान साधु से तो आपने खरानी निशानी कर सकते। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। नंबर चार मोर पीहू पीहू आवाज करता है, तो ये विधान साधु से कि आपने खरानी निशानी कर सकते। अबे परिचित चार चार विधान ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक मोर सबसे सुंदर पक्षी है, तो विधान साधु से पूछे हैं कि गाय की निशानी क्या है। मोर काम का आवाज करता है, तो ये पूछे काम का आवाज है काम क्यों करे मोर थी, तो क्या उठा ने निशानी करके चौकड़ी कर ली है। नंबर तीन मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, मोर बजा लोगों ने बाहर बुला ली है, तो ये साधु विधान से तो खरा ने निशानी कर ली है। नंबर चार मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है, मोर खुश जाए तो ये राजा था जो पीहू पीहू आवाज करते हैं, ये विधान के साथ है कि आपको खरा ने निशानी कर सकते। और मित्रों यही आपका पार्ट नंबर 20 मोर, ये अगाव मैं तुमने भाषण करे ने गुजराती करी समझाया जो अने અત્યારે આપણે સ્વાધ્યાય એની ચર્ચા કરી છે, જે ધ્યાન રાખીએ કે તમે તમારે તમારી વર્ક તમારી જે ચોપડી છે એની અંદર તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એને પૂરી દીવાનો છે, તો અહીં આપણો મૂળ પાઠ પૂરો થાય છે અને ફરી નવા પાઠની આપણે પાઠ નંબર 21 હિન્દી ભાષા જે છે એની ફરી આપણે ચર્ચા કરીએ।